हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक वीडियो मैं बताने वाली हूँ, विच इज़ टॉप 5 स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आपको इस फेस्टिव सीजन में वो झलकता डिस्को बॉल टाइप ग्लो करवा सकता है नेचुरली, एज वेल एज उसमें स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी आपके काम आएंगे। इट्स नॉट अ मेकअप ही थिंग, बट आपको स्किन अच्छा रखोगे तो मेकअप भी आप जो भी इस्तेमाल करोगे वो अच्छे से बैठेगा, अच्छे से काम करेगा। सो फॉर ऑल दोज थिंग्स वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस, मैं आपको इसमें बहुत सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी और लग्जरी प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी, बट मोस्टली सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही हैं। और जो अगर लग्जरी प्रोडक्ट्स मैं शो भी कर रही हूँ तो उसका मैं ऑल्टरनेटिव भी आपको दे दूंगी। सो एज पर योर डिजायर, एज पर योर बजट आप उसको परचेज कर सकते हैं फॉर दैट ब्लिंकिंग ग्लो विच इज नेचुरल, येट इट इज़ आप विदाउट मेकअप भी जा सकते हो। सो गाइस, सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है फेस वॉश, क्योंकि वो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे स्किन केयर रूटीन में। सो वॉट इज़ दैट फेस वॉश आपको शेयर करना चाहती हूँ, विच इज़ दिस वन। दिस इज़ म्यूराज एसेंशियल सी क्लेंजर। ये एक्सपेंसिव है, ये 60 ml का कॉस्ट आपको 1200 रुपीज़ में मिलता है। इसमें एसिड डिस्काउंट कभी मैंने तो नहीं नोटिस करा है। तो ये मिनी साइज़ है, इसका बड़ा साइज़ भी आता है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए परचेज किया क्योंकि इसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन को काफ़ी ग्लोइंग, हेल्दी और स्मूथ बना देता है। बट एज दिस इज एक्सपेंसिव, आई हैव एन ड्यूप मैं नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली, बट उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो अच्छा देता है। सो विच इज लॉरियल पैरिस ग्लाइकोलिक ब्राइट ग्लोइंग क्लेंजिंग फोम। ये है क्लेंजिंग फोम है और ये हार्डली, ये 100 ml का आपको बॉटल मिलेगा, बट ये अराउंड 200 ऐसे में आपको मिल जाएगा। और लॉरियल में तो ऑब्वियसली ड्रग स्टोर ब्रांड है, इसमें आपको डिस्काउंट कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है, ठीक है। सो आप इसके साथ जा सकते हो। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज ये आपको फोमिंग फॉर्म में मिलता है, ये आपको क्वांटिटी बहुत कम लेना पड़ता है, एकदम मटर के दाने जैसे एकदम पी साइज। और ये जो है म्यूराज वाला, इसमें फोमिंग नहीं होता है, इसमें एज सच कोई सल्फेट्स वगैरह नहीं दिया हुआ है, जिसके कारण ये बहुत माइल्ड है और आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट ज़रूरत लग सकता है। हालांकि फोम नहीं बनाता है, इस रीज़न से आपको लगेगा कि हमें और थोड़ा सा चाहिए क्योंकि हमें तो आदत है फोमिंग वाला यूज़ करने से, ठीक है। तो उस रीज़न से आपको लग सकता है, अदरवाइज क्लेंजिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छे से आपको फेस को क्लेंज करके दे देता है, ठीक है। सो फॉर अ ग्लोइंग एंड हेल्दी सॉफ्ट स्किन अगर आपको चाहिए तो आप ये ग्लाइकोलिक ब्राइट क्लेंजिंग लॉरियल वाला इसके साथ जा सकते हो, या फिर आप इसके साथ जा सकते हो। ये एक्सपेंसिव है और ये इसका ही अफोर्डेबल सॉर्ट ऑफ ड्यूप है, इंग्रेडिएंट ड्यूप नहीं है बट आफ्टर इफेक्ट ड्यूप है, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेस वॉश। अगला आता है हमारा टोनर। तो टोनर पे मेरे पास तो दिस इज पिक्सी ग्लो टॉनिक 5% ग्लाइकोलिक एसिड। सो ये है पिक्सी ग्लो टॉनिक, आप देख सकते हो। ये भी अगेन एक्सपेंसिव साइड वाला जो है मैं वो बता रही हूँ। इसका सीन ये है गाइस कि ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो प्रोवाइड कर देता है जस्ट बीइंग अ टोनर, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने आपको ये फेस वॉश बताया, ये ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश है, ये ग्लाइकोलिक एसिड टोनर है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप दोनों को एक साथ मत यूज करना क्योंकि ओवर एक्सेसिव एक्सफोलिएशन हो जाएगा विच इज नॉट गुड फॉर योर स्किन। चाहे आपका स्किन एकदम अंबुजा सीमेंट से भी क्यों ना बना रहे, फिर भी आपको ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करना चाहिए। व्हाट यू कैन डू इज अगर आप मंडे को ये यूज कर रहे हो तो आप ट्यूजडे को ये यूज कर सकते हो। एंड दोनों ही नाइट टाइम रूटीन मैं बता रही हूँ, बिकॉज आप अगर कहीं फेस्टिविटीज में अगर आप बाहर जा रहे हो, आप सुबह कहीं जा रहे हो या फिर अगले शाम को जा रहे हो, व्हाट यू कैन डू इज कि नाइट पे आप जो भी इस्तेमाल करोगे तो वो आपके स्किन को इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, इजिली रिजुविनेट कर देता है। तो अच्छा काम अगर कोई स्किन केयर करता है मोस्टली रात को करता है, ठीक है। तो स्किन केयर को वक्त मिल जाता है अपना काम करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसको मंडे को यूज कर रहे हो तो आप इसको ट्यूजडे को यूज कर सकते हो, फिर आप इसको वेडनेसडे को यूज कर सकते हो। सो लाइकवाइज यू कैन ऑल्टरनेट, एक ही दिन में ये दोनों मत यूज करना, बट दिस विल इवेंचुअली गिव यू अ ब्यूटिफुल ग्लो। अगर आपके एक्ने स्कार्स है, अगर आपके एक्ने पिगमेंटेशन है, अगर डार्क स्पॉट्स है, सन स्पॉट्स है, अगर आपको मेलास्मा वगैरह है, सो माई मॉम यूज दिस एंड शी हैज दिस मेलास्मा थिंग गोइंग ओवर हियर, तो उस पर भी ये काफ़ी अच्छा यूज़ हो गया, ठीक है। सो अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है या फिर अगर आपका भी यू नो लाइक मॉम का ऐसा है, आपकी किसी भी एल्डरली वुमन का है या फिर आपका खुद का भी हो सकता है, अगर आपकी ड्राई स्किन वगैरह है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। इट विल ब्यूटिफुली रिड्यूस द पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। बट आप कुछ भी इस टाइप के एक्टिव्स जब भी इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ सनस्क्रीन मस्ट है, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, राइट। आपको खुद वो
बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए कि हाँ इसके साथ तो सनस्क्रीन तो लगना ही है, ठीक है, वो ब्रेड एंड बटर वाला सीन है, दे आर कपल्स. आप कुछ भी एक्टिव लगा लो, आलू है ना, आलू जैसा है, हर चीज में आप आलू के साथ सब्जी बना देते हो, तो सनस्क्रीन इज दैट आलू फॉर यू. ओके, सो दैट इज देसी भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है. तो ये आप यूज कर सकते हो, बट इट इज अगेन एक्सपेंसिव. एज आई मेंशन, ये 100 ml आपको 1500 में मिलता है. सो इफ यू कांट अफोर्ड दैट, आई हैव द अफोर्डेबल ऑप्शन विच इज ऑर्डिनरीज ग्लाइकोलिक एसिड 7%. हालांकि ये मुझे थोड़ा सा माइल्ड लगता है, 7% कहा गया है, बट स्टिल ये मुझे ज्यादा माइल्ड लगता है इन कंपेरिजन ऑफ पिक्सी, ठीक है. तो आई डोंट नो, ये जस्ट मेरे साथ है या सबके साथ है, आप इसको भी यूज कर सकते हो. एंड दिस इज वेरी मल्टीपर्पज, मैंने ये सुना है, मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया एज अ मल्टीपर्पज, मैंने इसको सिर्फ अपने फेस पे ही यूज किया है. बट मैंने ऐसे ऑल ओवर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे ना, इंटरनेट पे ये देखा है कि लोग इसको ना ऐसे स्कैल्प पे भी लगा ले रहे हैं, अपने अंडर आर्म्स में लगा ले रहे हैं, हर जगह लगा ले रहे हैं. आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट फील कम्फर्टेबल, मैं इसको बस फेस पे ही यूज कर सकती हूँ. तो इसका अगर आपको सस्ता वर्जन चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो. इसका 100 ml भी अब नायका में अवेलेबल है, विच इज अराउंड 800 to 900, तो आप वो ले सकते हो. और ये 250 ml वाला है, ये बड़ा वाला है, एंड दिस कॉस्ट अराउंड 1200 समथिंग. तो एक्चुअली ये वाला ही 900 में मैंने खरीदा था लास्ट ईयर, एंड सडनली दोज प्राइजेस गॉट अप. सो अब ये 1200 का हो गया, और इसका जो 100 ml मिलेगा वो आपको 900 में मिलेगा, ठीक है. सो दिस बोथ वर्क्स द सेम, दोनों का काम सेम है, आफ्टर इफेक्ट दोनों का सेम है. ये थोड़ा सा माइल्ड मुझे लगता है, ये आपको ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगा, हालांकि ये भी इरिटेट नहीं करेगा. बट इफ़ यू आर वेरी न्यू टू केमिकल एक्सफोलिएशन, आपको डर लगता है सॉर्ट ऑफ, देन आप इसके साथ जा सकते हो. और अगर आप निडर हो या फिर आप बहुत दिनों से केमिकल एक्सफोलिएशन कर रहे हो, देन यू कैन गो फॉर दिस पिक्सी वन, ठीक है. हो सकता है कि आप खुद यूज़ भी किए होंगे इसको, ठीक है. सो हमारा टोनर हो गया. अब टोनर के बाद ना आता है हमारा बेसिक चीज, विच इज सीरम्स. अब सीरम्स में मैं एक चीज आपको बता दूं, सो फॉर सीरम्स आई हैव दिस 2% कोजिक एसिड फेस सीरम फ्रॉम डर्माको, एंड आई हैव दिस लैक्मे परफेक्ट रेडियंस सीरम फ्रॉम लैक्मे, ठीक है. सो ये दोनों फेस सीरम है मेरे पास. अब इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, बट काम सेम करता है. ओके, सो बेसिक थिंग इज कि ये नायसिनामाइड बेस्ड सीरम है. मैं आपको एकदम इजी तरीके से बता रही हूँ, शॉर्टकट में बता रही हूँ, सो दैट आपको खरीदने में, अगर आप खरीदना चाहते हो तो काफ़ी इजी हो जाएगा. आपको उतना रॉकेट साइंस नहीं समझने की ज़रूरत है राइट नाउ. आपको इजी फास्ट ग्लो चाहिए, तो इसके लिए फास्ट मैं आपको बता रही हूँ. सो ये ना नायसिनामाइड बेस्ड है, और इसमें थोड़ा सा रेटिनॉल भी है. सो वेरी माइल्ड रेटिनॉल का, ये डायरेक्ट रेटिनॉल नहीं दिया है, इसका रेटिनॉल का डेरिवेटिव सॉर्ट ऑफ है. सो इट्स वेरी माइल्ड, बट स्टिल थोड़ा सा तो है ना, तो वो भी काम करता है, ठीक है. ये मुझे बहुत पसंद आया, मैं क्या बोलूँ, ठीक है. ये अब पैकेजिंग इन्होंने चेंज कर दिया है. इसका पहले जो पैकेजिंग था ना, ऐसे वो पंप फॉर्म में था, एक स्लीक सा इस टाइप के बॉटल में आता था, ठीक है. सो दैट वॉज द थिंग. बट ये पैकेजिंग भी काफ़ी क्यूट है, ट्रैवल फ्रेंडली है. ये ग्लास बॉटल है, सो अगर आपको डर लगता है कि ये गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, आप इसके बॉक्स में रख के आप इसको ले सकते हो. इसका मैं आपको बॉक्स भी वेट, इसका बॉक्स इस टाइप का आता है, वेरी गोल्डन स्लीक काइंड ऑफ है. और इस सीरम को ना दो, इसमें रेटिनॉल है, रेटिनॉल ऐसा चीज़ होता है, या फिर रेटिनॉल के डेरिवेटिव्स, आप उसको रात को ही लगाओगे तो अच्छा रहता है. बट यहाँ पे द कंपनी इज सजेस्टिंग कि आप इसको डे और नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हो. सो इफ़ यू आर समबडी जिसको हेजिटेंट है कि क्या करूँ ना करूँ, कंपनी की सुनूँ भी या नहीं, तो आप सेफ साइड आप रात को यूज़ कर लेना. बट अगर आप कंपनी की थोड़ी सी सुन भी सकते हो, बिकॉज लैक्मे है, मजाक नहीं है, उन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा होगा, जो भी लिखा होगा, सो आप इसको डे में भी यूज़ कर सकते हो. आई यूजली यूज़ दिस एट डे टाइम, ठीक है. यूजली रेटिनॉल या रेटिनॉल बेस्ड या रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स जो भी है, आप उसको रात को यूज़ कर सकते हो बेसिकली. बट हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप लैक्टेटिंग हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हैं, देन यू शुड नॉट यूज़ दिस वन. दो इसमें मार्केट किया गया है कि ये नायसिनामाइड है, बट इसमें रेटिनॉल के डेरिवेटिव्स भी है. अब वो कम हो या ज़्यादा हो, बट रेटिनॉल के डेरिवेटिव्स है, तो चांस क्यों लेना है गाइज. आपके पास दूसरे ऑप्शन भी है ना, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. तो इफ़ यू आर नॉट इन दोज कैटेगरी वुमेन, या फिर अगर आप एक मेल हो और आपको स्किन अपना ब्राइट एंड ग्लोई चाहिए बिफोर एनी काइंड ऑफ यू नो, लाइक शायद आपकी खुद की शादी आ रही हो, शायद आपको किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी डेट पे जा रहे हो, सो दिस इज एन इंस्टेंट फिक्स आई एम टेलिंग यू.
या आप एक दो दिन लगाओ एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस. हालांकि अगेन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसमें फ्रेग्रेंस है, तो आप इससे दूर रहिए. जितने भी मैंने क्लॉजेस बताए कि अगर आप प्रेग्नेंट है, अगर आपको सेंसिटिव स्किन है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है, ये सब चीज़ें हैं, देन आई हैव एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट. वही मैं आपको बता रही हूँ, विच इज 2% कोजिक एसिड. ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है, इसमें अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है एंड नाइसिनमाइड है. ये भी आप डे और नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हो, तो ये दोनों ही डे और नाइट में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. बट इसका फॉर्मुलेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही माइल्ड है. आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है, आप यूज़ कर सकते हो. इवन इफ यू आर प्रेग्नेंट तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. इट्स लाइक दैट, ठीक है. आप इसका कलर देखो, ये थोड़ा सा ना ऐसे डार्क डार्क कलर का है, जैसे ये बेसिकली कोजिक एसिड मशरूम से बनता है. मशरूम जब आप देखना कि थोड़ा सा सड़ जाता है या थोड़ा सा आप उसको बॉइल कर लेते हो, तो वो थोड़ा डार्क कलर में आ जाता है, राइट. सो दिस बिकम्स लाइक दैट, ठीक है. ये ऐसा है, ये खराब नहीं है, ऐसा ही आता है, ठीक है. मैंने इसके 2-3 बॉटल्स खत्म कर दिए. ये आपको अगर लिप्स के अराउंड अगर पिगमेंटेशन है, अगर आपके एक्ने स्पॉट्स है वो नहीं जा रहे हैं, अगर आपको फोरहेड पे टैनिंग हो गई है, तो ये सब चीज़ों में ना ये काफ़ी काम करता है, ये भी और ये भी. बट ये थोड़ा सा एडवांस्ड फार्मूला है और ये थोड़ा सा सिंपल फार्मूला है, काम दोनों सेम करता है, ठीक है, जस्ट फॉर योर ग्लोइंग ब्राइट स्किन. सो इसका कोई मैं एक्सपेंसिव चीज़ नहीं बता रही हूँ, बट हाँ लैक्मे वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. इट कॉस्ट्स अराउंड 649, ठीक है, अराउंड 700 रुपये का ये आता है. बट ये भी आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा. और ये वाला आई थिंक 499 का है, तो ये भी आपको डिस्काउंट में 200-300 में मिल जाएगा, ठीक है. इसका भी आप छोटा साइज परचेज कर सकते हो और इसका भी आप छोटा साइज परचेज कर सकते हो. विच एवर फिट्स योर पॉकेट, विच एवर फिट्स इन योर माइंड, आप वो यूज़ कर सकते हो. मैंने आप दोनों का प्रोज एंड कॉन्स बता दिया है, दोनों का आफ्टर इफेक्ट सेम है. सो गाइस, आफ्टर सीरम हमारा आता है बेसिक थिंग विच इज़ मॉइस्चराइजर. अब मॉइस्चराइजर के लिए मैं आपको एज सच कोई मॉइस्चराइजर अफोर्डेबल या एक्सपेंसिव मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, बट इफ़ यू वॉन्ट तो मैं ये दो सजेशंस आपको यहाँ और यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये दो सजेशन दे देती हूँ. अगर आपको एक्सपेंसिव में जाना है तो आप ये वाला के साथ जा सकते हो, और अगर आपको अफोर्डेबल में जाना है, सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट चाहिए, तो आप इसके साथ जा सकते हो. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्टिकुलर स्किन पे कोई मॉइस्चराइजर बैठ गया, ठीक है, आप उसी को यूज़ करो, ठीक है. बाकी सारे चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, बट मॉइस्चराइजर इज समथिंग मुझे ऐसा लगता है कि जिसको जो सूट कर गया वो आप वही यूज़ करो, इट्स सेफेस्ट, ठीक है. स्टिल इफ़ यू वॉन्टेड माई रिकमेंडेशन, तो मैंने आपको रिकमेंडेशन दे दिए. सेकेंड चीज़ है कि अगर आपको मॉइस्चराइजर की जगह कुछ और अलग सा मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा. सो विच इज़ दिस वन, दिस इज लनेश क्रीम स्किन सेरा पेप्टाइड. ये टोनर प्लस मॉइस्चराइजर दोनों हैं. अच्छा, ये एक्सपेंसिव है, ये आपको 170 ml आपको मिल जाता है अराउंड 2500 में, ठीक है. इट्स डैम एक्सपेंसिव, राइट. सो इसका एक छोटा वर्शन भी आता है, वो आपको अराउंड 80 ml या 100 ml ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको, अराउंड 800 और 900 ऐसे कॉस्ट में मिल जाएगा. स्टिल इट इज़ एक्सपेंसिव. सो उसके ऑल्टरनेटिव में क्या है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो. मैं यहाँ पे आपको पिक्चर ऐड कर दे रही हूँ. ये वाला जो है ना, ये वाला सेम काम करता है, आई एम टेलिंग यू, सेम काम करता है एंड एट अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइस. मैं बताती हूँ क्यों. ये वाला जो आप देख रहे हो, ये है आपका टोनी मोली का वंडर सेरामाइड टोनर, ठीक है. ये इक्वली मॉइस्चराइजिंग है एंड इक्वली आपके स्किन को हेल्दी स्किन बैरियर रखने में मदद करता है. मैं आपको ये वाला क्यों सजेस्ट कर रही हूँ एज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, और ये वाला आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ एज अ एफोर्ड इसी का अफोर्डेबल ड्यूप सॉर्ट ऑफ, ठीक है. क्योंकि ये आप जब भी यूज़ करोगे, इसमें सेरामाइड्स है, इसमें पेप्टाइड्स है, हालांकि ये वाले में पेप्टाइड्स नहीं है, इसमें सिर्फ सेरामाइड्स है. इसमें फ़ायदा ये है कि आपके स्किन में जो भी एक्ने हैं, स्कार्स है, या फिर इचिंग है, या फिर बहुत स्किन जो है वो फटी फटी हो जाती है, कभी कभार ऑयली स्किन की भी बहुत ज़्यादा आप एक्सफोलिएशन ओवर एक्सफोलिएशन कर लेते हो, तो आपकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा एकदम ड्राई खड़खड़ वाली हो जाती है, ठीक है. लिटरली वो जो दिखाते हैं ना कोल्ड क्रीम वाले एड्स में विंटर्स में, कि ऐसे ना आप नंबर लिख सकते हो, लाइक लिटरली स्लेट जैसा एकदम रफ हो जाता है, वैसे स्किन के लिए आप इस टाइप के टोनर में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये एक्सपेंसिव लग रहा है तो आप इसके साथ जा सकते हो. रीज़न बीइंग, ये आपको दोनों काम एक ही चीज़ में कर देगा, आपका टोनिंग का भी काम कर देगा एज वेल एज मॉइस्चराइजर भी काम कर देगा. आप मुझे बोलोगे कि श्रेया आपने तो जब टोनर ही दिखा दिया, जो पिक्सी वाला मैंने दिखाया ग्लोइंग वगैरह के लिए, तो फिर इसकी क्या नीड है.
सो ये आप टोनर से भी ज़्यादा ना आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर के हिसाब से यूज़ करो एंड दिस इज़ वेरी लिक्विडी। मैं आपको दिखाती हूँ इसका, मैंने ना ये इसके साथ प्रॉब्लम थोड़ा सा है, आप इसका जो स्प्रे आता है वो भी आप खरीद सकते हो, बट वो अलग से आता है, जैसे मैक के फाउंडेशन में ना अलग से पंप मिलता है, तो इसका भी जो स्प्रे पंप है वो भी अलग से मिलता है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज आप परचेज कर सकते हो। मुझे नीड नहीं थी, क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये इसका ना इस टाइप का है नोजल, आपको दिख रही है, ये ऐसी है। तो मैंने क्या किया, वेट, तो मैंने ना इसको ऐसे, मेरे पास एक रोज़ वाटर का स्प्रे बॉटल था, इस पर मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। सो अब मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं इसको ओपन करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मिल्की टेक्सचर में आता है। अब देखो ऐसा स्प्रे लिया मैंने, दिख रहा है, ये मिल्की काइंड ऑफ है, ठीक है। सो अगर आपको है कि आपकी स्किन बैरियर टोटली गॉन फॉर अ टॉस, बहुत ख़राब हो गई है आपकी स्किन, और ग्लो तो छोड़ो, मतलब कुछ भी बचा नहीं है आपकी स्किन पे, देन दिस विल कम टू योर रेस्क्यू, मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आप देख सकते हो मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये तो भाई आप ही के लिए बना हुआ है, ठीक है। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, कलर नहीं है, कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सेरामाइड्स है। सेंसिटिव स्किन को ये नॉर्मल बना सकता है, इतना कैपेबिलिटी रखता है ये, ठीक है। मैं कोई बढ़ा के नहीं बोलूँ, मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि आई एम इन ऑल ऑफ दिस पर्टिकुलर टोनर, ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, आई अंडरस्टैंड, बट एज आई मेंशन, आप इसका जो अल्टरनेटिव मैंने बताया वो मैं आपको लिंक भी उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, आप वो भी परचेज कर सकते हो। वो 500 ml मिल रहा है गाइज, ये सिर्फ 170 ml मिल रहा है, वो 500 ml मिल रहा है, इतना बड़ा मिल रहा है, और सिर्फ 1200 रुपये में, और वो भी डिस्काउंट में, तो वो 700-800 भी हो जाता है, वो क्यों नहीं लोगे, ठीक है। तो ये देख लो, ये नहीं पसंद आ रहा है, ये आपको पैसे में नहीं बन रहा है, तो आप वो ले सकते हो, दोनों सेम काम करता है, इक्वल काम करता है। सेंसिटिव स्किन हो, ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, एक्ने प्रोन स्किन हो, नॉर्मल स्किन, तो भाई आप ब्लेसिंग हो भगवान की, बट बाकी किसी भी स्किन पे ये काम कर जाएगा, ऑलराइट। सो ये था मेरा एक टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर जो मैंने आपको रेकमेंड किया, जो कि टोनर का भी काम करता है और मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। तो नॉर्मल टोनर आप जो भी लगाओगे ना उसके ऊपर ये लगा लेना, बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा। ये अंडर मेकअप भी बहुत अच्छे से काम करता है, आपकी स्किन को एक नेचुरल सा ग्लो देता है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाने में मदद करता है, ठीक है। अगर आपकी स्किन पे कोई भी टाइप के डार्क स्पॉट्स वगैरह है या कुछ भी है, ऐसे ब्रेकआउट्स वगैरह हो गया, तो उसको भी जल्दी जल्दी हील करने में मदद करेगा। खत्म तो भाई कुछ नहीं कर सकता है प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम को ठीक भी करने का क्षमता तो दे, विच इज दिस, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक और मॉइस्चराइजर पे, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा। सो ये वाला मेरे सामने है सारे, तो आई एम ग्रैबिंग इट फ्रॉम दैट साइड। ये है लैक्मे परफेक्ट रेडियंस डे क्रीम। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज़ बताती हूँ, इसमें भी नायसिनामाइड बेस्ड है, इसका मैंने आपको सीरम अभी दिखाया, राइट, लैक्मे परफेक्ट रेडियंस सीरम, उसी तरीके से ये है लैक्मे परफेक्ट रेडियंस डे क्रीम। ये दिखता काफ़ी बूजी टाइप का है, इसका कॉस्ट उतना कुछ हाई नहीं है, आपको डिस्काउंट में ऑब्वियसली ये 200-300 रुपये में मिल जाएगा। ये 50 ml है, अगर आपको टेस्ट करना है तो आप इसके छोटे छोटे साइज़ में भी परचेज करके टेस्ट कर सकते हो। ये मैं पर्टिकुलरली ऑयली स्किन, सेंसिटिव को नहीं, ऑयली स्किन या नॉर्मल स्किन को मैं ये रेफर करूँगी। ये बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन को अगर यूज़ करना भी है तो उससे पहले आप बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो, जो भी आप अगर थिक मॉइस्चराइजर कुछ भी यूज़ कर रहे हो, लाइक सेरावी, सेटाफिल, अगर उस टाइप के आप यूज़ करते हो, यूजली ड्राई स्किन पीपल यूज़ दोज काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर्स, तो अगर आप ऐसा कुछ रिच मॉइस्चराइजर यूज़ कर चुके हो उसके ऊपर आप ये यूज़ कर सकते हो, बट फॉर ऑयली स्किन आप इसको डायरेक्टली आफ्टर टोनर ही यूज़ कर सकते हो, आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑयली स्किन, ठीक है। अब इसके साथ फ़ायदा क्या है, क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि ये भी आपको इंस्टेंट ग्लो देने में कारगर है। क्यों, कैसे? अब देखो, आप इसको मैं खोल रही हूँ, अब देखो इसका कंसिस्टेंसी, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे भी लग जाता है। ये ना मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें डायमंड पाउडर है, ठीक है। अब डायमंड पाउडर होने से क्या होता है कि आपकी स्किन को एक इंस्टेंटली एक इल्यूमिनेशन दे देता है, एक ब्राइटनेस दे देता है, काम तो करता है। ऐसा नहीं है कि ये बस एक मेकअप सॉर्ट ऑफ थिंग है, बट आप इसको एज अ मेकअप भी यूज़ कर सकते हो फॉर अ डेली बेसिस। अब आप देखो इसका ये टेक्सचर ऐसा है, ठीक है, और ये एकदम ही ऐसे ब्लेंड हो जाता है। इसमें सनस्क्रीन भी है, SPF 17 है, आई गेस दैट्स नॉट वेरी मच, बट ओ गॉड, एंड इसकी वो टिपिकल लैक्मे वाली जो फ्रेग्रेंस होती है वैसी ही है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसका डब्बा ये रहा,
ये भी काफ़ी शाइनी शाइनी है। तो अगर आप यू नो किसी शादी पार्टी में जा रहे हो तो भी आप इसको लगा सकते हो। एंड इसमें कुछ लिखा तो नहीं है कि कितना SPF है, बट आई गेस एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने कहीं पे इसका लाइक नए का मंजर पे देखा था कि ये SPF 17 या 30 ऐसा कुछ है, बट इसमें सनस्क्रीन है अच्छे से, ठीक है। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप सनस्क्रीन यूज़ कर लेना जो भी आपको सूट करता हो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके एक प्रॉब्लम है मैं बता दूँ, ये जब आप ऐसे क्लोज कर रहे हो ना तो ये ढंग से क्लोज नहीं होता है, ठीक है। ये आपको ऐसे स्ट्रेट रखना होता है दोनों को, फिर ये क्लोज होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको लेके थोड़ा झेल लेना, क्या कर सकते हो। बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इंस्टेंट एक ग्लो देता है, इंस्टेंट एक शाइन देता है। मैंने भी आज यही लगाया हुआ है, आप देख सकते हो थोड़ा सा ना नेचुरली मेरी स्किन जो है वो शाइन कर रही है, ठीक है। मैं ऑयली स्किन हूँ, नेचुरली तेल निकलते रहता है, बट ये तेल वाला शाइन नहीं है, ये हेल्दी ग्लो है गाइस। तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, आप मेल हो फीमेल हो, आप बच्चे हो बूढ़े हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो ये उतना कुछ काम नहीं करने वाला है, ठीक है। सेंसिटिव स्किन को ये ओवर पावरिंग फ्रेग्रेंस लग सकता है, अगर आप ड्राई स्किन हो तो ये आपको इनफ मॉइस्चराइजेशन नहीं देगा। सो ये सब प्रॉब्लम्स है इसके साथ। बट अगर आप ऑयली स्किन हो, अगर आप नॉर्मल स्किन हो, अगर एक्ने प्रोन स्किन हो, फिर ये अच्छे से काम कर जाएगा। आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड गाइस, तभी मैं बता रही हूँ। हालांकि इवन एक्ने प्रोन स्किन में भी डिफरेंस आते हैं, हर एक्ने प्रोन स्किन सेम नहीं होती है, हर ड्राई स्किन सेम नहीं होती है, सो डेफिनेटली देयर इज दिस डिफरेंस, ठीक है। एनीवेज, सो आई गेस आई एम ऑलमोस्ट डन। ओके, एक और मेजर चीज बचा हुआ है आपको इंस्टेंट ग्लो दिलवाने में जो मदद कर सकता है, मैं आपको वो भी शेयर कर देती हूँ। तो ये गाइस रागा डिटेन पैक है, और ये इंस्टेंट आपको ग्लो देने में बहुत ही अच्छे से काम कर देता है। आपको कहीं पे भी जाना हो, उससे आधे घंटे पहले आप ये लगा लो, फिर वॉशअप कर लो, फिर देखो। सो गाइस, सबसे पहला जो मैंने आपको दिखाया था ये म्यूराट का फेस वॉश, इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम म्यूराट, एंड दिस इज डैम एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए, इसीलिए आई डोंट हैव दैट मनी, तो मैंने इसके मिनी साइज खरीदी है, विच इज़ म्यूराट रैपिड डार्क स्पॉट करेक्टिंग सीरम। ये इस टाइप का दिखता है, ठीक है। ये बहुत छोटू सा है, ये 5 ml का है, आप देख सकते हो, ये देखो ये इतना तक आता है, ठीक है, छोटू सा है। और इसका ऐसे पंप पैकेजिंग है, ठीक है, पंप पैकेजिंग है। तो आप इसको क्या करो, ऐसे निकालो, और रात को है ना, रात को जहाँ पे आपको डार्क स्पॉट्स वगैरह हो गए हैं वहाँ पे आप फुल फेस में मत लगा लेना, बहुत एक्सपेंसिव है। और प्लस ये डार्क स्पॉट करेक्टर है, ये आप फुल फेस में लगाने वाला सीन नहीं है। फुल फेस के लिए मैंने आपको बताया ये वाला है, और ये इंस्टेंट ग्लो भी देता है, स्किन केयर के साथ साथ ये सॉर्ट ऑफ मेकअपिश भी देता है, तो यू कैन यूज़ दैट। बट ये आपको एक्चुअली स्किन केयर है, दिस इज नॉट मेकअप कि आप पूरे फेस पे पोत लो, या मॉइस्चराइजर भी नहीं है, इट्स जस्ट अ करेक्टर। अगर आपको ऐसा है ना कि आपको मंडे में कहीं जाना है, और लास्ट मंडे से आप स्टार्ट कर दो, एक हफ्ता आप इसको लगाओ, आपने देखना होगा कि आपका जो अगर डार्क स्पॉट्स वगैरह है तो वो काफ़ी रिड्यूस हो गया होगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर दैट, ऑलराइट। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, इसमें भी विटामिन सी वगैरह है, और काफ़ी अच्छे से रिड्यूस कर देता है, और कोई इचिंग या रेडनेस ये सब नहीं होता है। बट मेक श्योर कि अगले दिन आप जब भी सनस्क्रीन यूज़ करो तो सनस्क्रीन यूज़ कर लेना, आलसी मत बनना, ठीक है। अगर आप ये सब ग्लो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, और उसके बाद आपको ग्लो प्रोवाइड करता है। तो जब एक्सफोलिएट कर रहे हो, जब आपका न्यू स्किन सरफेस पे आ रहा है ना, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट दैट स्किन। एक बेबी है और उसको आप धूप में रख दोगे तो वो तो उसका स्किन खराब हो जाएगा ना, तो आप उसको अच्छे से जतन से प्यार से अपने घर पे रखते हो बच्चे को, उसी तरीके से आपकी स्किन भी आपकी बेबी है, उसको भी प्यार से रखिए, ठीक है। ओके, बट दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये 5 ml का आई थिंक 1000 ऐसा कुछ कॉस्ट करता है, तो 5 ml 1000, ठीक है, ये तो मुझे फ्री में मिल गया था, बट इट वर्क्स रियली ग्रेट, ठीक है। अब जो मैंने खुद के पैसों से खर्च किए थे, इसका सेम चीज़ है, बट थोड़ा अफोर्डेबल है, और थोड़ा सा स्लो काम करता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव है, काम तो एक्सपेंसिव जैसे करता है मोस्टली। बट ये आपको क्वांटिटी ऑब्वियसली ज़्यादा मिलती है। ये है 3% कोजिक एसिड डार्क स्पॉट करेक्टर जेल, एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एजिलिक एसिड, ट्रांसजेमिक एसिड। तो ये भी आप अगर आप प्रेगनेंसी वगैरह में हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन कि आप प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग में आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं, बट ये आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। सो अगेन दिस हैज़ दिस पंप पैकेजिंग, यहाँ से आपको निकाल के देख सकते हो। वो वाला मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है गाइस, ये वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, डर्माको वाला।
तो ये इस टाइप का है, एकदम देखो इंस्टेंट ना ब्लेंड हो जाता है, तो एकदम वाटरी टेक्सचर है। दो इसमें शिया बटर है, बट शिया बटर ना हमारे एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, बट स्टिल इट हैज़ वर्क ब्यूटिफुली ऑन माई स्किन। ये डार्क स्पॉट्स वगैरह को धीरे 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 कम कर देता है। उतना पोटेंट नहीं है जितना ये म्यूराइड वाला है डेफिनेटली, बट ये अगर मैं आपको म्यूराइड वाला बोल रही हूँ कि एक हफ्ते पहले लगाइए, तो ये मैं आपको बोलूँगी दो हफ्ते पहले से लगाओ, जब आपको कोई भी ऐसे एक्ने स्पॉट्स स्कार्स वगैरह कुछ है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डार्क पैचेस वगैरह है, अगर आपको अराउंड द माउथ अगर डार्क पैचेस वगैरह है, अगर टैनिंग है, जो भी है, आप इसके साथ टैनिंग मोस्टली आपको ग्लाइकोलिक एसिड से चला जाएगा, बट अगर डार्क स्पॉट जो स्टबन एक्ने मार्क्स, मोस्टली मैं ये बोलूंगी अगर आपके एक्ने मार्क्स वगैरह है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये काम करता है, ठीक है। सो मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बताया, या आई एम ऑल डन। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें से अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने पहले यूज़ भी किया होगा, आपको कैसा उसमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो भी आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज अगर कोई दूसरा भी आ रहा है ना कमेंट पढ़ने, तो उसको भी हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं एक इंसान आपको बता रही हूँ, अगर कमेंट सेक्शन में 10 लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, तो डेफिनेटली वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, राइट, कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए कैसा काम करता है। ऑलराइट, सो दिस वॉज इट, एंड हैप्पी फेस्टिविटीज़। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय गाइस।